हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पेपर्स भी बहुत करीब हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सारे वीडियो देख लीजिएगा। जो खास करके जो PDF में मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ उनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग 100-200 क्वेश्चंस देख लेंगे तो कम से कम ये तो चांस रहेगा कि 25 में 15-20 सही कर लेंगे, जो नहीं किए उनके लिए, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और कोई भी क्वेरी करना होगा आपके स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब, और एक चीज और है, जो लोग चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र क्या चीज विक्षेपित कर सकता है? बीटा किरणों को। किसको? बीटा किरणों को, ठीक है। अगला सेकंड नंबर, किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है? किसी भी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है, ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सी नंबर, थर्ड नंबर, प्लांक नियतांक किसका मात्रक होता है? प्लांक नियतांक किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का, ठीक है, सी वाला, कोणीय संवेग का। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए, पृथ्वी के उपग्रह में घूमती हुई अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जा चुका है तो फिर उसको किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसे समय ज्ञात हो जाए? क्या हो जाएगा इसका? मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का, बी वाला, ठीक है, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, छड़ चुंबक का एक सिरा ऊर्ध्वाधर दिशा में रखकर बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। कितने? एक प्राप्त होंगे, ठीक है, ए वाला, एक प्राप्त होंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेस करते हैं, पढ़िए। भूस्थाई उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भूस्थाई उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे, ठीक है, ए वाला। सिक्स का भी ए वाला, 24 घंटे। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है PDF में क्वेश्चंस को सॉल्व कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है न्यूमेरिकल को, ठीक है। एक तार का प्रतिरोध 120, कार का प्रतिरोध 122, उससे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के किस व्यास पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा? इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उससे 3 ओम होगा, ठीक है। अब 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, एम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या होगा? अगर कोई एम द्रव्यमान का पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? √2ME, सी वाला, ठीक है, √2ME, ठीक है, सी वाला हो गया 8th का, सी वाला। अब 9th नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ये आपके मॉडल पेपर हैं, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, पृथ्वी तल के निकट परिक्रम करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है लगभग कितना? वेग होता है जो पृथ्वी के निकटतम तल पे कक्षीय वेग करता है उपग्रह का, तो क्या हो जाएगा इसका 10th का? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सी वाला, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 11th नंबर देखिए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। अब 12th नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर, माइनस का, 0.5 मीटर आंसर होगा। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, यदि किसी कार का वेग घटाकर उसके वेग का दिया जाए तो उस के रोकने में न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। यदि कार का वेग घटाकर उसके वेग के बराबर कार कर दिया जाए, अगर किसी कार का वेग घटाकर उसके वेग के बराबर कर दिया जाए तो उसके रोकने में न्यूनतम दूरी तय करनी होगी, कितना हो जाएगा इसका आंसर? सॉल्व करिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ, 4/25 गुनी, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, समझिएगा, 4/25 गुनी हो जाएगी, ठीक है, लगभग।
लगभग क्या एग्जैक्ट, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का एक समद्विबीतल लेंस है, समद्विबीतल लेंस है, यदि इस लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो समान भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी होगी, इतना हो जाएगा इसका 14 का 40 सेंटीमीटर होगी प्रत्येक भाग की। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? इसका आंसर मैं बता दूं, 4.9 मीटर पर सेकंड। जी की वैल्यू 9.8 रखिएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, आप लोग खुद ही बताइए, जल्दी बताइए कि मैं बता देता हूँ। बैंगनी रंग का, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ क्या होता है बैंगनी रंग का। इरेज करके सही से लगा दूँ, हाँ ठीक है, बैंगनी रंग का। ठीक है, सी वाला। अब 17 नंबर क्वेश्चन। किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने बार परस्पर समकोण पर होती हैं? इसका आंसर मैं बता दूं, 48 बार, 48 बार परस्पर वो समकोण पर होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसके रेस करके। 18 नंबर क्वेश्चन। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा बदलती है। अब विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो बताने वाला है ही नहीं, किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पारसेक मात्रक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन। पारसेक किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरियों का। ठीक है, खगोलीय दूरियों का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। 60 वाट का पंखा 3 यूनिट बिजली में कितना देर चलेगा? 50 घंटे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु अधिकतम चाल कितनी हो सकती, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। इसका क्या है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे अधिकतम वैल्यू स्पीड किसी की नहीं हो सकती है। इसको रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो पूरा देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। अब ये जो निम्नलिखित ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है ये बताइए। तो लोहा होगा कि चांदी होगा कि सोना होगा कि पारा होगा, क्या होगा? लोहा होगा। ठीक है, ये चुंबकीय पदार्थ है। अगला पढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसके खड़े होने पर कम हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन क्या, 23 नंबर का क्या हो जाएगा? बी वाला। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 24 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आंसर पता होगा, बताइए जल्दी। नर्म लोहे की। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए, 25 नंबर क्वेश्चन। गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? अब गुलाब के फूल को अगर आप हरे प्रकाश में देखेंगे तो वो किस रंग का दिखाई देता है? काला, सी वाला। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड रेड क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आप लोग, इसमें 3-4 क्वेश्चन होंगे जो कई बार पूछे गए हैं आप लोग से, चैप्टर के क्वेश्चन जब करवाए जा रहे थे तब भी पूछा गया था, और जो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे तब भी हो रहे थे, और ये मॉडल पेपर कर रहे हैं इसमें भी हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन कहा था वो कंप्लीट हुए हैं, और अगर कोई भी क्वेरी करना होगा आपके स्क्रीन पे नंबर शुरुआत में ही मिल गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और, अब जो हम लोग के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व क्या कर रहे हैं, जो टिक कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, हो सके तो नोट बना के लिख लीजिए, नहीं बना पा रहे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, पेपर के 2-3 दिन पहले सारे क्वेश्चन एक सरसरी नज़र से देखते रहिएगा, इससे ये रहेगा जो क्वेश्चन ध्यान से उतर रहा होगा वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बार बार तो पूरा वीडियो आप लोग देख नहीं पाएंगे। और अभी के लिए पूरा वीडियो देखा करिएगा, भले स्पीड बढ़ा के देखा करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखा करिएगा। इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।